अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर, आज का टॉपिक है वेटस्टोन ब्रिज। वेटस्टोन ब्रिज में के सेटअप में हम करते क्या है कि तीन रेजिस्टेंसेस हमें नोन होती हैं और फोर्थ अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इस सेटअप के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके लिए हमने किरचॉफ सेकंड रूल की हेल्प लेनी है, उसकी इक्वेशन यूज कर दी हमने। अब सबसे पहले हम इसकी सर्किट डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, इसमें चार रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2, R3 एंड R4। ये चार रेजिस्टेंसेस हैं और इनको हमने एक बैटरी सोर्स EMF सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है और साथ में स्विच भी कनेक्ट कर दिया है, और इनको कनेक्ट किया दो टर्मिनल्स A और C के दरमियान। तो एक मैश सा बन जाता है, एक जाल सा बन जाता है, एक सर्किट सा बन जाता है। वो सर्किट कौन सा है? ABCDA। इसके दो हिस्से हैं, एक लूप है ABDA और दूसरी लूप है BCDA। एक है ABDA और दूसरी है BCDA, ये दो लूप्स हैं। और B और D के दरमियान हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। हमने इस सर्किट को इस तरह से एडजस्ट करना है कि अगर हम स्विच को क्लोज भी कर दें, यानी स्विच ऑन कर दें, तब भी गैल्वेनोमीटर की नीडल कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। इस तरह से सेटअप करना है। और वो कब पॉसिबल है? अगर करंट थ्रू द लूप ABCD, जिसको हमने I1 से रिप्रेजेंट किया है, और करंट थ्रू द लूप BCDA, जिसको हमने I2 से रिप्रेजेंट किया है, इनकी वैल्यूज क्या हो? सेम हो, यानी I1 इक्वल हो किसके? I2 के। तो ये तभी पॉसिबल है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, यानी बी और डी के दरमियान कोई पोटेंशियल नहीं होगा। तब हम तीन नॉन रेजिस्टेंसेस की मदद से फोर्थ अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है? फॉर्मूला ड्राइव करना है। अब फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम ABDA करंट लूप की बात करें। इसमें करंट डायरेक्शन, बल्कि दोनों में ही करंट डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ABDA में भी और BCDB में भी। जो लूप है उसकी रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो अगर हम ABDA की बात करें तो ABDA में क्या है, R1 में जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल, और वो इक्वल है I1R1 के, तो -I1R1। B और D के दरमियान क्या है? गैल्वेनोमीटर। तो वहां पर गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? RG से। और इसमें से जो करंट पास कर रहा है उसका इफेक्टिव पार्ट क्या होगा? I1 - I2। और इसके बाहर भी कौन सा साइन है? नेगेटिव। और इसी तरह R3 भी इक्वल होगा, इसकी जो एनर्जी है, जिसका वर्क डन जो है वो इक्वल होगा -I1 R3 = 0। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि हमने क्या कंडीशन रिज्यूम करनी है कि I1 और I2 इक्वल हो, तो अगर I1 I2 इक्वल हैं तो I1 - I2 किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। तो ये पूरी टर्म, यानी सेकंड टर्म, इसमें किसके इक्वल आ जाएगी? 0 के। बाकी क्या बचेगा? -I1 R1 - I1 R3 = 0। अब -I1 R3 जो के लेफ्ट साइड पर है, इसको राइट साइड पर लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? -I1 R1 = -I1 R3। इसको फर्ज करें, मैं समझाने के लिए नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। फिर इसी तरह सेकंड लूप BCDB में अगर हम देखें तो R2 के लिए जो वर्क डन होगा वो इक्वल होगा -I2 R2 के, और R4 में से जो करंट पास कर रहा होगा वो किसके इक्वल होगा? I2 R4 के। दोनों नेगेटिव होंगे। और इस में जो गैल्वेनोमीटर में से के क्रॉस जो वर्क डन है वो होगा माइनस, पहले क्या था? I1 - I2। अब सेकंड लूप के लिए वो क्या होगा? I2 - I1 × RG = 0। अगेन I1 - I2 के क्या है? इक्वल। तो ये टर्म, फाइनल टर्म भी, यानी I2 - I1 भी किसके इक्वल आ जाएगा? क्योंकि ये I1 और I2 इक्वल हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0। अब ये टर्म 0 होने का क्या मतलब है? बाकी दो टर्म्स बच गई, -I2 R2 - I2 R4 = 0। अब इसको भी आप क्या करें,
कि एक टर्म को लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर ले जाएं, तो माइनस आई टू आर टू इक्वल आ जाएगी किसके, आई टू आर फोर के, और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर टू का। तो इक्वेशन नंबर वन को डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर टू से, तो होगा क्या, जब इनको डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा, और चूंकि आई वन कैंसिल हो जाएगा आई वन से, और आई टू कैंसिल हो जाएगा किसके साथ, आई टू के साथ, तो बाकी इक्वेशन क्या बच जाएगी स्टूडेंट्स, बाकी इक्वेशन रह जाएगी आर वन ओवर आर टू इज इक्वल टू आर थ्री ओवर आर फोर। इनमें से कोई तीन नॉन रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंसेस हो, तो फोर्थ रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में जो आपका रह गया है चैप्टर में, वो पोटेंशियोमीटर है। तो पोटेंशियोमीटर को अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं करूँगा, थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, उसके बाद उससे अगला जो लेक्चर होगा उसमें आपके आखिरी टॉपिक पोटेंशियोमीटर को भी डिस्कस किया जाएगा।